शहर में धार्मिक आयोजन की अनुमति मांगने निकले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन के सख्त रवैये का सामना करना पड़ा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने न सिर्फ वाटर कैनन चलाए बल्कि लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को तितर बितर तक कर दिया। राजनीतिक रैलियों को छूट और धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मैदान संभालते हुए मौन पदयात्रा निकाली। राजवाड़ा से निकलकर जैसे ही यह मौन पदयात्रा कलेक्टर कार्यालय पहुंची, वैसे ही कांग्रेसियों का यह मौन आक्रोश में तब्दील हो गया, जिसे देखकर पुलिस और प्रशासन ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के साथ ही लाठीचार्ज कर दिया, जहाँ पुलिस की इस कार्यवाही में विधायक संजय शुक्ला समेत 10 कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। आशीर्वाद यात्राएं कर रहे हैं, अरे हम उस खानदान की औलादे हैं जिन्होंने सिर पर कफन बांध कर गोरों से लड़ाइयां लड़ी हैं, और ये आज की सौदागरों की सरकार जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक उंगली नहीं कटाई, आज वो देश प्रेम की बात कर रहे हैं। देश प्रेम तुम क्या जानो, देश प्रेम तो कांग्रेस के बच्चे बच्चे में है। तुम तो देश छोड़ करके पिछले दरवाजे से आप लोग अंग्रेजों से मिलजुल कर आप लोग घर पे बैठे थे। मैं बहुत ज्यादा लोगों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ इंदौर के लोगों को कि जनता जागृत हो गई, जनता ने मन बना लिया है। आदरणीय कमलनाथ जी का नेतृत्व, हमें इतना तगड़ा नेतृत्व मिला है कि मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ये सरकार को इन सौदागरों ने गिरा दी। 5 साल सरकार चलती तो मध्य प्रदेश का इतिहास बदल जाता और देश के अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश होता। मौन पद यात्रा में शामिल हुई पूर्व मंत्री और इंदौर प्रभारी विजय लक्ष्मी साधु ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए क्या हुआ, हम लोग मौन धारण करके प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। अब मैं आप लोगों से ही उछालती हूँ सवाल, आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि कितने बौखलाई हुई सरकार है सौदे की सरकार, क्योंकि जनता ने तो चुना नहीं है, इसलिए ये कांग्रेस से बौखला कर मौन धारण करके हम लोग ज्ञापन देने आए थे, और इन्होंने वाटर कैनन के वो छोड़ा पाइप, और ऊपर से लाठीचार्ज हुआ, हमारे कई लोग घायल हो गए, कई लोगों के कपड़े फट गए। तो मैं आपसे ही सवाल करना चाहती हूँ, आप इनसे सवाल पूछो कि जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक आए थे, तो भी क्या जरूरत थी इनको ऊपर ये करने की। मैं तो ये मानती हूँ कि सरकार घबराई हुई है, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है कि 2023 में इनको बाहर निकाल फेंकना है, इसलिए ये अनर्गल मानसिक संतुलन सरकार का खो गया है, इसलिए ये कुछ तो भी घटनाएं घटित कर। पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए जमकर निशाना साधा। एक तरफ कोरोना काल में जब इंदौर की जनता से आह्वान किया कि शादी नहीं करनी है तो इंदौर की जनता ने नहीं की, इंदौर की जनता का धार्मिक आयोजन नहीं करना है तो इंदौर की जनता ने नहीं किया, इंदौर की जनता को कहा कि ईद नहीं मनाना है तो मुस्लिम भाइयों ने ईद नहीं मनाई, किसी ने सार्वजनिक किसी भी प्रकार का कोई आयोजन हो, हिंदू रीति रिवाज का हो, मुस्लिम रीति रिवाज का हो, हमारे गुरु नानक देव जी की जयंती तक भी सिख समाज के लोगों ने प्रशासन की इस भावना की इज्जत की। पर उसके बाद देखने में आया कि जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक आयोजनों में एक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने लगा। जिला प्रशासन जिस तरीके से जन आशीर्वाद में कोरोना की तीसरी लहर को आशीर्वाद दिलवाने के लिए भीड़ करने लगा, तो फिर कांग्रेस पार्टी का दायित्व था कि ऐसे गुलाम प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाना है। हमने यहाँ आकर गणेश चतुर्थी, गोगा नवमी, हमारे जन्माष्टमी, गुरु नानक देव जी के जितने त्यौहार, हमारे मुस्लिम समुदाय के जितने त्यौहार या वो परिवार के सामाजिक कार्यक्रम, वो शादी ब्याह हो या अन्य कार्यक्रम, ये भी परमिशन सरकार दे, ये हमारी मांग है, प्रशासन दे, ये हमारी मांग है। एक तरफ एक नियम, बीजेपी के जितने आयोजन होंगे उसमें भीड़ होगी, कोरोना की कोई परवाह नहीं, और एक तरफ इस तरह के कांग्रेस पार्टी का विरोध करती है। अगर आपने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो आप सारे उनकी अनुमति प्रशासन चाहिए। कांग्रेस नेता शैलेश गर्ग ने बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कही। बिल्कुल, सिंधिया जी ने जो रैली निकाली उस समय सारी परमिशन हुई, अभी आपको मालूम है ना, आज हाईकोर्ट जाने वाले हैं,
याचिका लगेगी। कलेक्टर साहब ने बोला है कि 17 जुलाई से कोई भी आयोजन की अनुमति नहीं दे सकते, तो फिर सिंधिया को अनुमति कैसे मिली? वो अनुमति की कॉपी भी हमारे पास आ गई है और हमने जो अनुमति के लिए जगह मांगी तो बोले कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। ये किस प्रकार का दोहरा व्यवहार इंदौर शहर के अंदर चल रहा है? क्या दो कानून है उनके लिए परमिशन है और हमारे लिए नहीं? यानी कि हिंदू धर्म के जो त्यौहार है वो नहीं मनाए जाएंगे और जो ये यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की वो निकाली जाएगी? शादी नहीं होगी, उठावने नहीं होंगे? किस प्रकार का नीति? कोरोना क्या बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं फैलता? उस समय क्या सैनिटाइज होता है? तो कांग्रेस पार्टी ने आज पूरा विरोध किया है मौन जुलूस निकाल कर, पर इन लोगों ने उसको उत्तेजित किया, हम पे वाटर कैनन चलाई, लाठी मारी है, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, इनका मुंह तोड़ जवाब देगा आज। वहीं कांग्रेस की इस मौन पदयात्रा को देखते हुए कलेक्टर कार्यालय के आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, जहां कांग्रेसियों पर किए गए वाटर कैनन के इस्तेमाल और लाठीचार्ज को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी सफाई दी। देखिए ऐसा है कि इनके द्वारा एक सूचना इस बाबत दी गई थी कि हम लोग एक मौन ज्ञापन यहाँ देंगे, हमारे कार्यकर्ता राजबाड़ा पर इकट्ठा होंगे और वहाँ से यहाँ कलेक्ट्रेट आकर के ज्ञापन देंगे जो कि मौन स्वरूप का रहेगा। जब यहाँ मौके पर देखा तो कुछ इनके कार्यकर्ताओं द्वारा न केवल मौन जो अनुमति के लिए आवेदन था उसको उल्लंघन करते हुए इन्होंने शासकीय जो हमारे बैरिकेड थे उनको तोड़ने की कोशिश की और कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने की प्रयास किए, जिसको पुलिस द्वारा आवश्यक जो कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं जिसके तहत पहले वाटर कैनन का यूज़ किया गया, देन उसके बाद कैन पुशिंग की गई और उनको रोका गया और साथ में इस बात के लिए समझाइश भी दी गई कि आप लोग कानून को हाथ में ना लें। और जहाँ तक शासकीय संपत्ति की बात है तो अगर इस बात के पूरे वीडियो फुटेज हैं और शासकीय संपत्ति को कोई नुकसान यदि प्रमाणित पाएगा तो जरूर से इसमें कठोर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। नहीं देखिए उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिसको कि विचार में रखा गया था, लेकिन उसके बीच में इन लोगों ने जिस तरह से कार्रवाइयाँ जो की हैं, ये बैरिकेड पर चढ़ना, शासकीय वाहनों के ऊपर खड़े होकर उनका उपयोग करना, तो निश्चित रूप से हमारे पास वीडियो फुटेज के हैं, इसको देख करके कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आवेदन पर अनुमति असर नहीं थी अभी तक, जब तक इन्होंने आवेदन दिया था उस पर कोई अनुमति असर जारी नहीं, बिना अनुमति के इस रैली को निकाला जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं इस मौन पदयात्रा में हिस्सा लेने के लिए रैलियों के माध्यम से राजबाड़ा पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।